राम की ओर सीता ने निहारा है तो एक दूसरे की सुंदरता को निहार करके मुक्त हो गए। कहते थे हमारे परम सत्य गुरुदेव स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी कि एक दूसरे के हृदय में प्रेम की भावना बन के ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। अब तो मां सीता हृदय में विचार करने लगी है कि ये जरा जरा से बालक है, प्रभु श्री राम के साथ में ही मेरा विवाह हो तो बड़ा आनंद आएगा। माताओं आराम से बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर प्रेम से बैठ जाओ, शांति से बैठ के कथा सुनोगे देखोगे तो कुछ आनंद अलग ही होगा, और आप इस तरीके से शोर करोगे तो कोई आनंद नहीं आएगा। अब सीता जी प्रभु श्री राम को निहारने के बाद माँ गिरजा भवानी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई है, तो क्या वरदान मांगा है और कैसे पूजा की है, बहुत बड़े बाबा तुलसीदास 230 प्रश्न रामायण में। माँ सीता ने नाना प्रकार से देवी